नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू स्पेशल बिहार वाला। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुबई के 3CC कंपनी के बारे में। यह कंपनी कैसा है, दुबई के अंदर अच्छा है कि नहीं है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसमें सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑफ प्रेस अगर दोस्तों ऑल कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई के कमेंट आया था कि दुबई के अंदर 3CC कंपनी कैसा है, कतर के बारे में आप बताए हैं, कुवैत के बारे में बताए हैं, लेकिन आपने दुबई के अंदर 3CC कंपनी कैसा है इसके बारे में आप बताए नहीं है। तो प्लीज एक बार इसके ऊपर वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए और बताइए पूरे जो भाई इसके विषय में कमेंट किए थे, बहुत सारे भाई कमेंट किए थे। तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही पूरे अपने जो हमारे फैमिली है, हमारे जो जितने सब्सक्राइबर हैं, उनको बता दें कि ये कंपनी कैसा है। इसलिए कि बहुत सारे भाई हैं सोच में पड़े रहते हैं कि कंपनी में जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना आए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करता हूँ वीडियो और आप सभी को बताता हूँ 3CC कंपनी के बारे में। तो दोस्तों दुबई के अंदर 3CC कंपनी समझ जाइए आखिर बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पे दुबई में कुछ समझ जाइए कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है 3CC कंपनी में। 3CC कंपनी एक समझ जाइए कि बहुत ही बेहतरीन जहाँ पे काम करती है, लगभग में हमारे अंदाज से बहुत सारे देशों में इसका काम चल रहा है। आपका सिंगापुर हो गया, आपका दुबई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, इंडिया हो गया, बहुत सारी जगहों पे इस कंपनी का काम चल रहा है दोस्तों। इराक हो गया, इसका काम कंट्री गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे जगहों पे इसका काम चल रहा है। तो 3CC कंपनी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही समझ जाइए कि इसमें वर्कर को बहुत ही अच्छा व्यवस्था मिलता है। इसमें सैलरी आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन जो भी मिलेगा आपको टाइम पे मिलेगा, ओवर टाइम में अच्छा ओवर टाइम भी मिलता है इसमें। तो कंपनी के पास अगर काम थोड़ा कम आ जाएगा, मान लीजिए आप दुबई के अंदर आते हैं, दुबई में अगर इस काम कम हो जाएगा तो ओवर टाइम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ओवर टाइम इस कंपनी में बराबर अच्छा मिलता है। इसलिए कि बेसिक सैलरी जो होता है वो कम होता है, इसलिए कंपनी जो है ओवर टाइम में उसको प्लस करती है, तो ओवर टाइम कंपनी वहाँ पे देता है। तो दोस्तों यह कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन है, इसका जो भी है खाना पीना जो भी है, जब थोड़ा फैमिली बड़ा रहता है तो खाना में आप सभी को मालूम है दिक्कत प्रॉब्लम होता है, तो खाना इसका अच्छा है, खाना में कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी इसका सही है, सैलरी टाइम पे है। अगर आप 2 साल पे घर आते हैं तो आपको 2 लीव सैलरी मिलेगा, छुट्टी आते हैं, अगर फाइनल आते हैं तो साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग इस कंपनी में 10 साल 12 साल बिता देते हैं और कुछ टाइम गंवा देते हैं तो आपको अच्छा खासा इसमें बोनस भी मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे भाई हैं जो कतर में UCC कंपनी में 2 साल 8 साल 9 साल बिताए थे, उनको कंपनी ने 3,000-3,000 रियाल दिया था, 3,000-3,000, किसी को 4,000 रियाल मिला था, ऐसे मिला था वर्कर लोगों को। तो वैसे ही इस कंपनी में उससे ज़्यादा मिलता है, यानी 3CC जो कंपनी है उससे ज़्यादा पैसा इस कंपनी से मिलता है। तो यह कंपनी समझ जाइए कि बहुत ही बेहतरीन है। इस कंपनी में अगर आप लोग चले जाते हैं तो आपका समझ जाइए कि अगर 10 साल काम कर लेते हैं तो आप सभी का लाइफ जो है, आपका तो नहीं आपके बच्चे लोगों का जो है पढ़ा लिखा कर आप उनका लाइफ सेट कर सकते हैं। इसलिए कि जो भाई विदेश में रहते हैं उनके लाइफ के बारे में हमको मालूम है कितना काम करना पड़ता है, धूप में हो गया, अगर कंपनी में खाना नहीं मिला तो खाना बना के खाना पड़ता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा दिक्कत जो है झेलना पड़ता है गल्फ कंट्री के अंदर। और जो अगर बहुत सारा दिक्कत झेल के, बहुत सारा परेशानी झेल के उसके बाद से पैसा घर भेज पाते हैं। तो दोस्तों 3CC कंपनी दुबई के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे अदर कंट्री में अच्छा है वैसे भी दुबई में भी अच्छा है। दुबई में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस कंपनी में, आप लोग बेधड़क जाएं, इस कंपनी में अच्छा खासा आप लोग इनकम कर सकते हैं, आपको अच्छा व्यवस्था मिल सकता है, आपको अच्छा फैसिलिटी मिल सकता है, मेडिकल का फैसिलिटी मिल सकता है, सबसे बड़ी बात है कि सैलरी टाइम पर मिलता है। इसलिए कि सैलरी के लिए ही कोई भी भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो इसमें सैलरी टाइम से मिल जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं,
और आप सभी को कुछ और क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।